नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 90 देशों में अपने पैर पसार चुका है। WHO भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल चुका है। ये वेरिएंट बहुत संक्रामक है और तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन स्ट्रेन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से भी अधिक म्यूटेशन है, जो कि इसके पिछले किसी भी स्ट्रेन में नहीं थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन इम्यूनिटी से भी बचने में माहिर है और यही वजह है कि इतनी तेजी से फैल रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन के अब तक के सभी मामले हल्के लक्षणों वाले पाए गए हैं। WHO का भी कहना है कि डेल्टा की तुलना में इस वेरिएंट से होने वाली बीमारी हल्की रहेगी, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना की पिछली लहर में डेल्टा वेरिएंट ने कहर मचाया था। डेल्टा के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक थे और इससे मरने वालों की संख्या भी काफी थी। डेल्टा से संक्रमित मरीजों में तेज बुखार, लगातार खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन लेवल अचानक कम होने जैसे लक्षण देखे गए थे। ओमिक्रॉन के लक्षण कुछ अलग हैं और इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा थकान, कोरोना के पहले के वेरिएंट की तरह ही ओमिक्रॉन की वजह से बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। थकान और कम एनर्जी के साथ हर समय आराम करने का मन होता है। इसकी वजह से रोजमर्रा के काम में दिक्कत आ सकती है। हालांकि ये बात ध्यान देना जरूरी है कि ये थकान और भी वजहों से हो सकती है। अच्छा होगा कि आप इसकी सही वजह जानने के लिए कोरोना का टेस्ट करा लें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।